पापा की डेथ हो गई। डेथ हो गई है? हैं मामा कह रहे हैं मैं रहना नहीं चाहती मुझे। गुरु गोविंद सिंह का पुत्र हूँ। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये कहावत एग्रोल की रेहड़ी लगाने वाले 10 वर्षीय बच्चे जसप्रीत सिंह पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ब्रेन टीवी के बीमारी होने के चलते पहले पिता हरदीप सिंह का साया उसके सिर से उठ गया। इसके 2 दिन बाद माँ उसे छोड़कर पंजाब अपने मायके चली गई। जसप्रीत ने बताया कि घर छोड़कर जाने से पहले माँ ने बोला था कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जसप्रीत के ऊपर 14 वर्षीय बहन की भी जिम्मेदारी है, इसलिए उसने हार मानने के बजाय पिता की एग्रोल की रेहड़ी लगानी शुरू कर दी। जसप्रीत की जज्बे की कहानी अब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गई है। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने एक्स पर बच्चे की हौसला अफजाई करते हुए पढ़ाई में उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। वहीं जसप्रीत ने बताया कि वह बड़े होकर पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। दिल्ली के चंद्र विहार कीकर चौक में बुआ सुमनप्रीत कौर के घर जसप्रीत अपनी बड़ी बहन तरनप्रीत कौर के साथ रह रहे हैं। जसप्रीत तिलक नगर स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में 6 कक्षा के विद्यार्थी हैं। जसप्रीत ने बताया कि पहले मेरे पिता ड्राइवर थे, फिर 5 साल पहले उन्होंने अंडे की रेहड़ी लगानी शुरू की थी। तब मैं भी उनके साथ तिलक नगर आता था और काम में उनका हाथ बटाता था। वह चिकन रोल, पनीर रोल या चाप बनाते रहते थे और मैं देखता रहता था। ऐसे ही धीरे धीरे मैं भी सीख गया। जसप्रीत ने बताया कि पिता को ब्रेन टीबी हो गया था, जिसकी वजह से वह पिछले 9 महीनों से बीमार चल रहे थे। 14 अप्रैल 2024 को उनका निधन हो गया था। निधन होने के 2 दिन बाद ही माँ अपने मायके चली गई। मायके जाने से पहले माँ ने कहा था कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। सभी ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। आखिर में बच्चे ने भावुक होकर कहा कि वो माँ नहीं होती है जो अपने बच्चे छोड़कर चली जाए। काम के साथ पढ़ाई भर भी ध्यान दे रहे जसप्रीत की बुआ सुमनप्रीत कौर ने बताया कि जसप्रीत बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनना चाहता है, यही उसका सपना है। इसलिए हम काम के साथ साथ उसकी पढ़ाई का सपना भी पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जसप्रीत शाम को 7 बजे रेहड़ी पर जा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।